प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज धरने पर पाठ्य पुस्तक में गुरु घासीदास का किया गया अपमान। रायपुर, गुरु घासीदास के जीवन परिचय में जाति सूचक व अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने से नाराज हुआ सतनामी समाज। राजधानी के बुढ़ापारा धरना स्थल से रविवार को शांतिपूर्वक रैली निकालकर सतनामी समाज में प्रदर्शन की। या धरने के संबंध में जानकारी देते हुए मोहन बंजारे प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने कहा कि राज्य शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में गुरु घासीदास के जीवन परिचय में प्रतिबंधित व जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है। इससे पूरा सतनामी समाज आक्रोशित है एवं इस विषय में जिम्मेदारों को सूचित करने पर भी किसी प्रकार की कोई सक्रिय स्थिति अभी तक नहीं बनी है, जिससे नाराज होकर यह शांतिपूर्ण रैली एवं धरना प्रदर्शन समाज द्वारा किया गया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के एवं देशभर के सतनामी समाज के लोग सम्मिलित हुए। सभी जिले से आए हुए समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया एवं उचित कार्यवाही के लिए सरकार से अपील की। हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में जन्मे महान सतगुरु बाबा घासीदास को हरिजन जाति में जन्म लिया करके कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में लिखा गया है। इसे स्कूलों में सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रसारित भी कर दिया गया, जबकि हरिजन शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुनर्तः बेन प्रतिबंधित कर चुके हैं। बावजूद इसके समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्करण प्रबोध इतिहास कक्षा 12 पृष्ठ 66 में लेखक द्वारा लिखा एवं पाठ्य पुस्तक अध्यक्ष की अनुशंसा से प्रकाशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का सामाजिक समरसता सिद्धांत। गुरु घासीदास का परिचय। सतनाम पंथ के संस्थापक समाज सुधारक गुरु घासीदास जी का जन्म विरौतपुरी ग्राम के एक हरिजन परिवार में लगभग 1756 ईसा में हुआ था। एक जगह अत्यंत जाति में जन्म लिया था, ऐसा भी लिखा है। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा 12वीं में पढ़ाए जा रहे हैं। लेखक एस एल चौरसिया और ज्योति चौरसिया द्वय हैं। यह पुस्तक युगबोध अग्रवाल, युगबोध ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर गीता नगर GE रोड से प्रकाशित है। संज्ञान हो कि हरिजन शब्द पर कानूनी रूप से प्रतिबद्ध लग चुका है, फिर भी उस शब्द का प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। समाज की सहनशीलता पर ध्यान रखना होगा। अतः प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज इस पर आपत्ति करते हुए लेखक प्रकाशक और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर जिन्होंने समाज को आहत किया है सबके विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा देने तथा आपत्तिजनक शब्द को त्वरित हटाने की मांग किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, जिससे प्रगतिशील सतनामी समाज द्वारा रायपुर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तत्काल संज्ञान में लेकर लेख में छपे आपत्तिजनक शब्द हरिजन को विलोपित करने का आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। सुशील जांगड़े, कार्यकारी जिलाध्यक्ष खुदी दहलिया, कोषाध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, युवा प्रकोष्ठ, रायपुर ग्रामीण। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए टिकेश्वर निषाद की रिपोर्ट।